ग्रेट पंजाब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं तुहानू बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। तो अज असी गल करन वाले हाँ द सैलीब्रेशन स्वीट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने नैशनल स्वीट भी कहा जाता है इंडिया का। तो जी हाँ, तुहानू पता ही लग गया होना कि मैं किस चीज़ की गल कर रही हाँ। मैं गल कर रही हाँ जलेबी की। शायद ही कोई दिन त्यौहार इस तरह का होएगा कि असी आईए तो जलेबी ना खा के जाइए। तो अज मैं तुहानू लैके आई हाँ अमृतसर की सब तो मशहूर तो पुरानी शॉप पर, जिथे कि इन्नी टेस्टी टेस्टी जलेबी मिलती है, एकदम जूसी क्रंची। तो शायद ही कोई इस तरह का होएगा जिन्हें इतने की जलेबी टेस्ट करके ना देखी हो। जलेबी की शॉप जी हैगी है, वह शॉप का नाम है गुरदास राम जलेबी वाले। अमृतसर के सब तो ज़्यादा फेमस शॉप हैगी है। तो तुम देख सकते हो इतने की जलेबी भी, तुसी किसी ने भी पूछ सकते हो कि इतने की जलेबी का टेस्ट किस तरह का होंगे, सारे ही कहेंगे एकदम टेस्टी। तुसी जलेबी भी देख सकते हो कि देसी घ्यो दे विच एकदम इहदा प्योर कलर हैगा, एकदम शुद्ध देसी घ्यो नाल जलेबी तैयार करते हैं। तो आज असं इन्हां नाल गलबात करते हैं। सब तो पहला सर, मैं तुहाडा स्वागत करना चाहूँगी ग्रेट पंजाब टीवी दे विच। ते तुसी इहदी दसो कि मतलब कितना टाइम हो गया तुहाडी शॉप? मैम 68 ईयर्स हो गए शॉप नूं। इह 1965 च खुली सी मेरे दादा जी ने, तो अजे तक असी मैं थर्ड जनरेशन है दुकान संभाल रहे हैं जी। तो मतलब मैं सुने होया वा कि कोई भी टूरिस्ट या जिहड़ा अमृतसर का निवासी गए वो इत्थे दी जलेबी खाए बिना नहीं रह सकदा। मतलब कभी भी कोई भी आंदा है तो इत्थे दी जलेबी जरूर खा के जाता है। तो इहदा तां की राज है गए? इहदा राज तो चलो देखो, दरबार साहब लागे है, हरिमंदर साहब, अमृतसर दे पानी च भी फर्क है ते लोकां दे टेस्ट च भी फर्क है जी। और उन्होंने स्वाद लगती है, तो दादा टाइम तो चली है, असी सिफ्टी का देसी घ्यो यूज करते हैं, तो उ कोई मिलावट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर लोगों ने उन्हें आराम खा खा के फेमस है। तो अपनी जलेबी की जी स्वीट हैगी है और नैशनल स्वीट भी गए, तो यहाँ क्वालिटी किमें मेनटेन करके रखते हो? क्वालिटी कोई मेनटेन क्वालिटी इदा कि हर चीज़ फ्रैश बनेगी, कोई तुम्हें कोई ऐसी कि अज की कल खाने कल मिलेगा, सब कुछ ऑन द स्पॉट फ्रैश चीज़ मिलेगी बना बना के। इन्ने टाइम तो चलती हुई आ रही थी शॉप, वो भी इन्नी जिम्मे देसी घ्यो न जलेबियाँ बनिया ने, तो इन्नी टेस्ट तैयार होंगे ने, जूसी अलग होंगी, क्रंची अलग होंगी, मतलब अलग ही वक्रा टेस्ट होंगे। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੇਸਟ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਫਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਜਲੇਬੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 12 ਮਹੀਨੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਪਤੀਸਾ, ਨਮਕੀਨ ਮੱਠੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਓਕੇਜਨਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਲੇਬੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਪਤੀਸਾ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਮੱਠੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰਾਸਤੇ ਚਲੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਨਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲੇਬੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਜਲੇਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਦੇ ਆ ਘਿਓ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਆਪੇ ਹੀ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਪਿਓਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਲੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਟੇਸਟੀ, ਕਰੰਚੀ, ਇੱਕਦਮ ਜੂਸੀ ਜਲੇਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਘੁੰਮਣ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖਾਣ ਲਈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੋਗੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਨਾ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ,
तो हम लोग काफ़ी दूर से जलेबियाँ खाली खाने के लिए आए हैं। आप भी रिव्यू वगैरह देख के आए हो? हाँ यस, रिव्यू हमने ऑनलाइन देखा है एंड काफ़ी हमारे दोस्त लोग से भी सुना है इनके बारे में, इसलिए सिर्फ जलेबी खाने इतनी दूर से हम लोग गोल्डन टेम्पल अमृतसर यहाँ पे घूमने आए हो, तो यहाँ की जलेबी खा के जरूर जरूर कंपलसरी है। कैसी लगी आपको यहाँ की? बहुत 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 ही स्वादिष्ट है, बहुत ही कुरकुरी और एकदम बहुत अच्छी है, ऐसी जलेबी हमने पहले नहीं खाई। बाकी जलेबियों से ये जलेबी कैसे अलग हुई? काफ़ी क्रंची है और इसमें कुछ ऐसा आर्टिफिशियल जैसा नहीं, काफ़ी लाइक होममेड जैसी टेस्ट है एंड काफ़ी सही है। आपने जलेबी भी टेस्ट करके देखी, तो आपको जलेबी का टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, ऐसे पहले कभी मैंने खाया नहीं था, मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगती, बट इनकी जलेबी खाया तो बहुत अच्छा। मुंबई में ऐसी कहीं जलेबी नहीं मिलेगी? नहीं, नहीं, मैंने नहीं, नहीं। यही अलग इसका टेस्ट। यस यस, आप बताइए आपको इसका टेस्ट कैसा लगा इस जलेबी का? इसका स्वीटनेस एक्चुअली अलग है बाकी जो भी स्वीट्स होते हैं ना, तो इसको खाने के बाद मतलब हम कितना भी खा सकते हैं, अनलिमिटेड भी खा सकते हैं, तो इसका स्वीट बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं, इसको नेशनल स्वीट कहा जाता है। हाँ, इंडिया exactly. का जरूर जरूर, ये तो अमृतसर की पहचान है ये जलेबी। तुसी इस टाइम मेरे हाथ से देख सकते हो गरम गरम जलेबी है, इतनी डिलीशियस लग रही है, देखने से भी जूसी भी है, तो हम मैं तुम्हें टेस्ट करके दसागी किवें दी जलेबी लग रही है। मैं सुनिया बहुत ही होया सीगा ते बहुत ही गरम है। मुँह च जाते ही घुल जाती है, एकदम क्रंची टेस्ट भी आता है। तो यह जी जलेबी हैगी है बहुत ही ज़्यादा बाकी जलेबियाँ नालों बहुत ही ज़्यादा अलग टेस्ट हैगा यदा। तो जिमें सारे दसते हैं कि जिमें पुरानी शॉप हैगी है, एकदम वधिया शॉप हैगी है, तो इतने की जलेबी तुम ट्राई करके देखोगे तो सही क्या, इतने की जलेबी वाकई ही बहुत टेस्टी हैगी है। इतने की जी जलेबी हैगी है बहुत ही यमी हैगी है, तुम टेस्ट का अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कितनी टेस्टी लगी अज तक दी, शायद हाँ शायद नहीं पक्का गारंटी दिनी है कि सब तो वधिया टेस्ट वाली जलेबी मैं अज खाधी है इतने। तो तुम भी एक बार जरूर इतने आ के खा के देखना जलेबी इतने की। अमृतसर का कोई टूरिस्ट जोड़े आते हैं, अमृतसर का कोई होएगा निवासी, उन्हें शायद ही इतनी जलेबी ना चखी हो, एक बार तुम भी जरूर इतने आ के जलेबी खा के देखियो। जेकर तुम इतने की जलेबी खा के देखी हुई है तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर दस्यो कि तुम इतने की जलेबी किमें लगती है। इस दे नाल मैं मधु मिश्रा कैमरामैन अर्श के नाल ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।